जय हिंद दोस्तों, एग्री गाइडेंस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन के समय में किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है जो स्टूडेंट के पास होना चाहिए, और मैं जिस भी डॉक्यूमेंट का नाम बताऊँगा उस डॉक्यूमेंट का कम से कम आप लोगों के पास 3 फोटोकॉपी होना ही चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो में मैं यह भी बताऊँगा कि एडमिशन के समय पर किस कैटेगरी को कितना रुपया लगता है और उसे किस प्रकार से पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है कितना फ़ी लगता है एडमिशन के समय पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या कि आप लोग को जो फी होता है वो ATM कार्ड से पेमेंट करना होता है। यहाँ पर कोई कैश नहीं लिया जाता है किसी भी कॉलेज में, तो आप लोग को ATM कार्ड लेके आना है पेमेंट करें, ठीक है। सबसे पहले है क्या कि जो जनरल या BC कैटेगरी होता है उसमें जो है एडमिशन के लिए जो है 10,653 रुपये लगता है। EBC कैटेगरी के लिए जो है 9,453 रुपये लगता है, और SC या ST कैटेगरी के लिए 9,053 रुपया एडमिशन के समय लगता है। ये आप लोगों को जो है कार्ड से पेमेंट करना होता है, कोई भी ATM कार्ड से पेमेंट करना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है BCC के एडमिशन के समय पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो है BCC बोर्ड अप्लीकेशन हार्ड कॉपी। मतलब जब आप लोग BCC का फॉर्म अप्लाई किए होंगे, हार्ड कॉपी का मतलब वह फोटो कॉपी, ठीक है। जब आप लोग BCC का फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो उस समय एक आप लोगों को जो है क्या कि फोटो कॉपी कुछ मिला होगा, उसमें पार्ट A पार्ट B। जब आप लेफ्ट साइड के कोना पर देखिएगा तो उसमें पार्ट A पार्ट A लिखा होगा, उसी का जब आप 3-4 पन्ना पलटाइएगा तो उसमें कोना साइड में लेफ्ट साइड में पार्ट B लिखा होगा, तो उसको बोलते हैं पार्ट A पार्ट B या BCC बोर्ड अप्लीकेशन हार्ड कॉपी बोलते, ठीक है। उसका कम से कम आप लोगों के पास 3 कॉपी होना चाहिए। और क्या होता है कि जहाँ पर आप लोग का एडमिशन होगा वहाँ पर जाके आप लोग को खुद भरना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आप लोग उस फॉर्म को किस प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि उस फॉर्म को भरने में बहुत अधिक टाइम लगता है। अगर आप लोग पहले से फॉर्म भरे रहिएगा तो वहाँ पर क्या होता है कि आप लोग का एडमिशन लेने में सुविधा होता है। सेकंड है BCC वेरिफिकेशन स्लिप 2 कॉपी, ठीक है। वेरिफिकेशन स्लिप का मतलब हुआ क्या कि एक बायोमेट्रिक फॉर्म आता है, उसको आप लोगों को जो है वो आप लोगों के पास 2 कॉपी होना चाहिए, ठीक है। सब फॉर्म का आप लोगों के पास 3 कॉपी होना चाहिए। थर्ड आता है BCC चॉइस स्लिप। जब BCC का काउंसलिंग होता है तो उस समय आप लोगों को मांगा जाता है कि आप लोग किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, आपका कॉलेज प्रिफरेंस क्या है, तो वो आप लोगों को भरना होता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट वो है BCC रैंक कार्ड, BCC एडमिट कार्ड और जो है आधार कार्ड। इस तीनों का 3 फोटोकॉपी होना चाहिए आप लोगों के पास। उसके बाद है सीट अलॉटमेंट ऑर्डर बाय BCC, ठीक है। BCC जब आप लोग काउंसलिंग के समय जो कॉलेज अप्लाई करते हैं तो उसके बाद BCC से आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिला वो आप लोगों को जो है दिखाना पड़ता है, वहाँ पर लेकर जाना पड़ता है। उसके बाद क्लास 10 का एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया और उसका टेट सर्टिफिकेट, मतलब कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। एडमिट कार्ड, मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से इंटरमीडिएट साइंस का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और प्रोविजनल की आवश्यकता होती है। उसके बाद एक कास्ट सर्टिफिकेट, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट की आवश्यकता होता है। उसके बाद फोटो, जो आप लोग BCC के समय फोटो दिए होंगे कम से कम वो फोटो आप लोग के पास 10 होना चाहिए, सेम टू सेम फोटो, फोटो में किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास वो फोटो नहीं है तो आप लोग जाके सेम फोटो को मार्केट से बनवा लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि सेम फोटो वहाँ पर मांगा जाता है। उसके बाद CLC या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आप लोग को जो CLC जो होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है, जिसको हम लोग TC बोलते हैं, या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, वो आप लोग को चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी क्या होता है कि कॉलेज से मिलता है, और जो बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें प्रोविजनल में ही नीचे में जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसमें अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट, आप लोग मेडिकल फिट है या अनफिट है तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, क्या कि उसमें क्या होता है कि डॉक्टर के द्वारा यह सर्टिफाई किया जाता है कि यह जो स्टूडेंट है वो जो है मेडिकली फिट है, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप बहुत ज़रूरी है, ब्लड ग्रुप का भी आप लोग को पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हमारा ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका जो आवासीय
सर्टिफिकेट हुआ, ठीक है, वो आप लोग चाहिए, मतलब क्या कि जाति आवासीय आईडी आप लोग को चाहिए, उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट जो आप लोग पास, कोई अगर और अदर डॉक्यूमेंट जिसको आप लोग जमा करना चाहते हैं तो आप लोग जमा कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एक एंट्री रैगिंग सर्टिफिकेट बनता है, ये क्या होता है, सब कॉलेज में नहीं मांगा जाता है, कुछ कुछ कॉलेज में इसको जो मांगा जाता है, तो ये आप लोग पहले भी बनवा सकते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है कि बिहार के किसी कॉलेज जो सबोर्ड में है उसमें इसका आवश्यकता नहीं पड़ता, लेकिन और सब कुछ कुछ कॉलेज जैसे क्या है BPSC पूर्णिया जो है, भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज पूर्णिया में, वहाँ पर जो है एंट्री रैगिंग सर्टिफिकेट को लिया जाता है, तो ये आप लोग भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोग के मन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम कोई भी समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को टाइम टू टाइम जो है BCC के रिगार्डिंग आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।